Hello dear students, in halogen derivatives, today we are going to study the elimination reactions. तो elimination reaction का मतलब जानने से पहले यहाँ पे elimination reaction के लिए क्या necessary condition है वो समझ लेते हैं. तो this is the alkyl halide. Alkyl halide. Now this alkyl halide contain this halogen atom and the carbon atom to which the halogen is attached. It is said to be the alpha carbon. जिस carbon को halogen attached है उस carbon को बोला जाएगा alpha carbon and the adjacent carbon is known as the beta carbon. इसके बाजू वाला जो carbon है neighboring carbon इसको बोला जाएगा beta carbon. तो alkyl halide की necessary condition ये है elimination होने के लिए कि उसके अंदर कम से कम ये एक बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए. अब यहां पे देख रहे हैं आप यहां पे बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है, कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल होना जरूरी है तब यहां पे एलिमिनेशन पॉसिबल होता है. सो दिस इज द अल्किल हैलाइड कंटेनिंग और बीटा हाइड्रोजन. व्हेन दिस अल्किल हैलाइड इज बॉइल्ड विथ अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH अल्कली अल्कोहलिक KOH. द अल्कोहलिक KOH प्रोड्यूसेस अ न्यूक्लियोफाइल, ए वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बी नेगेटिव. बी नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफाइल जनरेटेड बाय द अल्कोहलिक KOH. अब ये बी नेगेटिव जनरल फार्मूला हो गया, पर्टिकुलरली अल्कोहलिक KOH से जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा वो रहेगा OH नेगेटिव. पर OH नेगेटिव को अपन यहां पे जनरली बी नेगेटिव से यहां पे दिखा रहे हैं. So this is the nucleophile generated by alcoholic KOH. Now what will happen? This nucleophile will remove the beta hydrogen. That is the hydrogen attached to the beta carbon. इस beta carbon को जो hydrogen attached है इसको remove करने का काम कौन करेगा? ये nucleophile. तो यहां पे होता क्या है elimination में? Elimination का सीधा सा मतलब होता है removal. Elimination means removal. There is a simultaneous removal of the halogen atom. Halogen atom from the alpha carbon and the hydrogen atom from the beta carbon simultaneously. ये दोनों का simultaneously removal होगा alpha carbon से halogen और beta carbon से hydrogen. और उसके वजह से यहां पे दो carbon के बीच में alpha carbon और beta carbon इन दोनों के बीच में double bond का formation हो जाएगा, multiple bond का formation हो जाएगा. Carbon carbon multiple bond is formed. ये दोनों निकल गए, हाइड्रोजन भी निकल गया और हैलोजन भी निकल गया. तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है इसको बोला जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन. प्लस ये जो हाइड्रोजन है इसको निकालने का काम इस न्यूक्लियोफाइल ने किया. द न्यूक्लियोफाइल विल कंबाइन विद द हाइड्रोजन दैट इज द एच पॉजिटिव. यहां से एच पॉजिटिव निकल रहा है और इस एच पॉजिटिव का बी नेगेटिव के साथ में कॉम्बिनेशन होके यहां पे बी एच बन जाएगा. प्लस ये एक्स नेगेटिव यहां से निकल के फ्री हो जाएगा. तो दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन. तो एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? द डेफिनेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच देयर इज अ साइमल्टेनियस रिमूवल ऑफ, साइमल्टेनियस रिमूवल, साइमल्टेनियस लॉस ऑफ टू एटम्स और ग्रुप्स अटैच टू द एडजसेंट कार्बन एटम्स. ये दोनों कार्बन एडजसेंट कार्बन है और ये एडजसेंट कार्बन को जो अटैच है ऐसे दो एटम्स या जो दो ग्रुप्स है इनका साइमल्टेनियसली रिमूवल हो जाने से जब यहां पे मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच देयर इज अ साइमल्टेनियस लॉस ऑफ, साइमल्टेनियस रिमूवल ऑफ टू एटम्स और ग्रुप्स अटैच टू द एडजसेंट कार्बन एटम्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज नोन एज द एलिमिनेशन रिएक्शन. तो यह एलिमिनेशन रिएक्शन का एक जनरल रिएक्शन हो गया. अब इस एलिमिनेशन रिएक्शन को पर्टिकुलरली जो अल्किल हैलाइड्स है हैलोजन डेरिवेटिव्स है हैलोजन डेरिवेटिव्स में एलिमिनेशन को बोला जाता है डी हाइड्रो हैलोजिनेशन. डी हाइड्रो हैलोजिनेशन द एलिमिनेशन इन अल्किल हैलाइड्स इज नोन एज डी हाइड्रो हैलोजिनेशन. अब डी का मतलब डीएनए लॉस, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलो मतलब हैलोजन.
तो साइमल्टेनियसली यहां पे हाइड्रोजन और हैलोजन ये दोनों का लॉस हो रहा है और इसी के वजह से इस एलिमिनेशन को पर्टिकुलरली क्या बोला जाएगा, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। द एलिमिनेशन इन केस ऑफ अल्किल हैलाइड्स, द एलिमिनेशन इन केस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स इज नोन एज द डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, बिकॉज इन दिस एलिमिनेशन देयर इज अ लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, द हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन एंड द हैलोजन फ्रॉम द अल्फा कार्बन। And this elimination is also known as the beta elimination. This elimination is known as the beta elimination. Beta elimination भी बोला जाता है और sometimes it is known as the 1-2 elimination. 1-2 elimination. अब beta elimination बोलने की वजह हैलोजन जो अल्फा कार्बन को अटैच है इसके साथ में बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकल रहा और उसके कारण उसको बीटा एलिमिनेशन बोल दिया। 1-2 इलिमिनेशन का मतलब ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन है फर्स्ट कार्बन हो गया समझो, इसको नंबर 1 दे दिया तो ये जो बीटा कार्बन है इसको नंबर 2 बोलना पड़ेगा और ये नंबर 1 और नंबर 2 ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बन नंबर 1 का हैलोजन और कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोजन यहां पे साइमल्टेनियसली रिमूव हो रहा है और इसके कारण इसको 1-2 इलिमिनेशन भी बोला जाता है। सो बीटा इलिमिनेशन और 1-2 इलिमिनेशन। और एलिमिनेशन करवाने के लिए जरूरी कंडीशन ये है कि अल्किल हैलाइड के अंदर हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए और एलिमिनेशन करवाने के लिए यहां पे अल्किल हैलाइड को जो सबस्ट्रेट है इस सबस्ट्रेट को अल्कोहलिक अल्कली के साथ में अल्कोहलिक KOH के साथ में बॉइल करना पड़ता है। तो दिस इज द जनरल रिएक्शन। नाउ वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन। एग्जाम्पल CH3 CH2 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 Br, दिस इज द हैलोजन डेरिवेटिव और अल्किल हैलाइड इट्स नेम इज 1-bromo butane. When 1-bromobutane is boiled with or heated with alcoholic KOH, 1-bromobutane को जब alcoholic KOH के साथ में हिट किया जाएगा तब यहां पे अल्फा कार्बन, जिस कार्बन को हैलोजन अटैच होता है वो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन का Br और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन, ये दोनों साइमल्टेनियसली निकल जाएंगे। There is a simultaneous removal of हैलोजन एटम फ्रॉम द अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बीटा कार्बन और इसके वजह से क्या होगा कि अल्फा और बीटा कार्बन दोनों के बीच में यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, मतलब यहां पे अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है CH3 CH2 CH double bond CH2 अल्कीन। अब यहां पे जो हाइड्रोजन और हैलोजन ये जो निकल रहे हैं यहां से हैलोजन विल कंबाइन विद पोटेशियम, हैलोजन पोटेशियम के साथ में कंबाइन होके KBr बना देगा KBr और ये जो हाइड्रोजन है ये OH के साथ में कंबाइन होके H2O बना लेगा H2O। तो यहां पे अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है अल्कीन, द नेम ऑफ द अल्कीन विल बी हियर द नेम ऑफ द अल्कीन इज ब्यूट वन इन बिकॉज द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट आफ्टर फर्स्ट कार्बन। तो यहां पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखिए ये अल्फा कार्बन का हैलोजन और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन ये दोनों निकल के अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है और यहां पे सिंगल अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल अल्कीन। अब सिंगल अल्कीन फॉर्म होने की वजह क्या है, क्योंकि यहां पर इस अल्फा कार्बन का जो बीटा कार्बन है तो बीटा कार्बन एक ही बीटा कार्बन है, ओनली वन बीटा कार्बन इज देयर और इसी बीटा कार्बन का हाइड्रोजन यहां से निकलने की संभावना है, दूसरा बीटा कार्बन तो है नहीं तो ये हाइड्रोजन और ये हैलोजन निकलेगा और उसके कारण यहां पे एक ही अल्कीन का फॉर्मेशन होगा दैट इज ब्यूट वन इन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पे दो दो पॉसिबिलिटीज है, अनदर एग्जांपल This is a 2-bromobutane.
टू ब्रोमो ब्यूटेन, हैलोजन डेरिवेटिव का नाम है यहां पे टू ब्रोमो ब्यूटेन। व्हेन दिस टू ब्रोमो ब्यूटेन इज हीटेड विथ अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH के साथ में हीट करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे टू ब्रोमो ब्यूटेन के अंदर जिस कार्बन को हैलोजन अटैच है वो गया अल्फा कार्बन, तो दिस इज अल्फा कार्बन, लेकिन यहां पे ये एडजेसेंट कार्बन बीटा कार्बन कहलाएगा, और ये भी एडजेसेंट कार्बन है, इसको भी बोलेंगे अपन बीटा कार्बन। तो यहां पे दो दो बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं इनको बोला जाता है बीटा हाइड्रोजन। तो यहां पर ये बीटा हाइड्रोजन हो गए तीनों, ये यहां पर दोनों बीटा हाइड्रोजन हो गए। तो दो बीटा कार्बन होने की वजह से बीटा हाइड्रोजन भी दो प्रकार के है, ये बीटा हाइड्रोजन ये भी बीटा हाइड्रोजन है। तो दो संभावनाएं यहां पे बनती, दो पॉसिबिलिटीज है यहां पे, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अब देखिए कौन सी पॉसिबिलिटी, समझो इस बीटा कार्बन को अपने बीटा वन बोल दिया और इस बीटा कार्बन को बीटा टू बोल दिया। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए इस हैलोजन के साथ में बीटा वन का हाइड्रोजन लॉस होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा वन, बीटा वन कार्बन का हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन का लॉस हो जाएगा, ये हैलोजन और यहां का हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहां पे जो अल्किन बनेगा उस अल्किन का फार्मूला क्या होना चाहिए, सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। देखिए सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, यहां का एक हाइड्रोजन और यहां का एक बी आर निकल गया, अल्किन बन गया। तो इस अल्किन का नाम हो जाता ब्यूट वन इन, ब्यूट वन इन। दूसरी पॉसिबिलिटी, अब देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, बीटा वन का हाइड्रोजन लॉस ना होते हुए यदि बीटा टू का हाइड्रोजन निकल जाता है, बीटा टू दिस इज द बीटा टू, सो लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा टू, बीटा टू में से हाइड्रोजन का लॉस कर दो, ये वाला हाइड्रोजन रहेगा यहां का निकलेगा। सो अल्किन विच इज फॉर्मड इज हियर सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री, और इस अल्किन का नाम हो जाएगा ब्यूट टू इन। तो यहां पे दो प्रकार की अल्किन फॉर्म होगी, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू अल्किन, नॉट अ सिंगल अल्किन लाइक दिस। यहां पे एक ही अल्किन बन रहा, एक ही अल्किन बनने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि यहां पे एक ही बीटा कार्बन था और एक ही प्रकार का बीटा हाइड्रोजन था, ये बीटा हाइड्रोजन यहां से ही निकलना था, और यहां पे दो दो संभावनाएं दो दो पॉसिबिलिटीज है, बीटा हाइड्रोजन जो है वो यहां से भी निकल सकता है और यहां से भी निकल सकता है, और उसके कारण यहां पे दो प्रकार की अल्किन यहां पे फॉर्म होगी। और अब यहां पे डिसाइड करना होगा कि ये दो प्रकार की जो अल्किन है इनमें से मेजर कौन सा और माइनर कौन सा, मेजर प्रोडक्ट, मेजर एंड माइनर। तो यहां पे ब्यूट टू इन ये जो है ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा, और ब्यूट वन इन ये माइनर प्रोडक्ट रहेगा, ज्यादा क्वांटिटी में ब्यूट टू इन बनेगा और कम क्वांटिटी में ब्यूट वन इन बनेगा। अब ये कैसे डिसाइड करें, हाउ टू डिसाइड द मेजर एंड माइनर। तो ये मेजर और माइनर डिसाइड करने के लिए रशियन साइंटिस्ट सेटजीफ सेटजीफ ने एक रूल फार्मुलेट किया है, सेटजीफ्स रूल, रशियन साइंटिस्ट सेटजीफ फार्मुलेटेड अ रूल, उसने रूल बनाया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस, बहुत सारी एलिमिनेशन रिएक्शन करके देखा उसने, और उसके आधार पर उसने रूल बनाया। अकॉर्डिंग टू द सेटजीफ्स रूल ड्यूरिंग द एलिमिनेशन रिएक्शन, ड्यूरिंग द एलिमिनेशन रिएक्शन द प्रीफर्ड प्रोडक्ट, प्रीफर्ड एंड मेजर प्रोडक्ट, the preferred product is that alkene which has more number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atom, preferred product, preferred का मतलब major, major product is that alkene, major product is that alkene which contain more number of having more number of alkyl groups, more number of alkyl groups attached to
the doubly bonded कार्बन एटम्स। तो अल्किन के अंदर जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, उन डबली बॉन्डेड कार्बन को ज्यादा अल्किल ग्रुप यदि अटैच है तो मेजर प्रोडक्ट रहेगा, वो प्रीफर्ड प्रोडक्ट रहेगा सेटजेफ रूल के अनुसार। और सेटजेफ रूल के अनुसार ब्यूट टू इन मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि इस ब्यूट टू इन का स्ट्रक्चर लिख के देखते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर एग्जैक्टली? CH3CH डबल बॉन्ड CCH3H, ये हो गया स्ट्रक्चर ब्यूट टू इन का। अब यहां पे ब्यूट टू इन में देखिए, ये डबली बॉन्डेड कार्बन, ये डबली बॉन्डेड कार्बन को दो अल्किल ग्रुप अटैच है, दो दो अल्किल ग्रुप अटैच है। और जब ब्यूट वन इन का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो देखिए कैसे होता है, CH3CH2 सी एच डबल बॉन्ड CH2। ब्यूट वन इन के अंदर देखिए, दिस इज ब्यूट वन इन एंड दिस इज ब्यूट टू इन। तो ब्यूट वन इन के अंदर एक ही अल्किल ग्रुप है जो डबली बॉन्डेड कार्बन को अटैच है, बाकी के तीनों हाइड्रोजन है, 1, 2, 3 दीज आर द हाइड्रोजन। ओनली वन अल्किल ग्रुप इज अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। और ब्यूट टू इन के अंदर ये डबली बॉन्डेड कार्बन को दो दो अल्किल ग्रुप अटैच है, और इसके वजह से एसएचजी रूल के अनुसार यहां पर मेजर प्रोडक्ट होगा ब्यूट टू इन और माइनर प्रोडक्ट होगा ब्यूट वन इन। सो ये सेटजेफ रूल एकदम आसान है। प्रीफर्ड प्रोडक्ट दैट इज द मेजर प्रोडक्ट इज दैट अल्किन इन विच मोर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। दूसरे तरीके से सेटजेफ रूल बताना है तो यहां पे सेटजेफ रूल के अनुसार एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर जिस अल्किन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, द अल्किन विच इज मोर स्टेबिलाइज्ड, विच इज हाईली स्टेबल, दैट अल्किन इज द मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल अल्किन ये मेजर प्रोडक्ट होता है। दूसरे तरीके से सेटजेफ रूल बताना है तो एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर जो अल्किन ज्यादा स्टेबल रहेगा, वो ज्यादा स्टेबल वाला अल्किन मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में तैयार होगा। द मेजर प्रोडक्ट इज द अल्किन विच इज मोर स्टेबल। बट हाउ टू डिसाइड द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द अल्किन्स? हियर द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अल्किन्स का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखते देखिए। ये जो अल्किन है इसके अंदर ये चारों के चारों अल्किल ग्रुप अटैच है डबली बॉन्डेड कार्बन को। कितने अल्किल ग्रुप? चार अल्किल ग्रुप्स है। सो इट इज मोस्ट स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देन यहां पे डबली बॉन्डेड कार्बन को दो अल्किल ग्रुप, तीन अल्किल ग्रुप अटैच है, तो इसकी स्टेबिलिटी इसके तुलना में थोड़ी कम होगी, इट इज लेस स्टेबल। मतलब यहां पर यह कहना पड़ेगा कि जो अल्किल ग्रुप्स है क्या करते हैं, मोर द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, मोर स्टेबल इज द अल्किन, ज्यादा स्टेबल अल्किन। तो यहां पे इन दोनों अल्किन में से मोर स्टेबल अल्किन ये रहेगा, क्योंकि यहां पे डबली बॉन्डेड कार्बन को दो अल्किल ग्रुप अटैच है और यहां पे डबली बॉन्डेड कार्बन को एक ही अल्किल ग्रुप अटैच है, उसके कारण स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी और उसी की वजह से यह मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में उभरेगा। देन इसके बाद में देखिए, डबली बॉन्डेड कार्बन को दो अल्किल ग्रुप अटैच है, इसकी स्टेबिलिटी इसके तुलना में कम रहेगी। देन यहां पे भी देखिए, डबली बॉन्डेड कार्बन को दो ही अल्किल ग्रुप अटैच है, फिर भी इसकी स्टेबिलिटी इसके तुलना में कम है, क्योंकि यहां पे दो अल्किल ग्रुप डिफरेंट कार्बन को अटैच है, एक अल्किल ग्रुप इस कार्बन को और दूसरा अल्किल ग्रुप इस कार्बन को, तो इसकी स्टेबिलिटी इसके तुलना में थोड़ी कम रहेगी। देन जिस अल्किन के अंदर सिंगल अल्किल ग्रुप है डबली बॉन्डेड कार्बन को अटैच, उसकी स्टेबिलिटी उससे भी कम होगी। अब यहां पे देखो, एक ही अल्किल ग्रुप है, बाकी के तीनों हाइड्रोजन है, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे भी कम। और जिस अल्किन के अंदर एक भी अल्किल ग्रुप अटैच नहीं है डबली बॉन्डेड कार्बन को, अब यहां देखो डबली बॉन्डेड कार्बन को एक भी अल्किल ग्रुप अटैच नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, मिनिमम स्टेबिलिटी होगी।
तो इस तरह से यहां पे अपन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये जो दो अल्किन्स है इनमें से ये ज्यादा स्टेबल रहेगा और ये मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में तैयार होगा क्योंकि ये मोर स्टेबल है और इसके अंदर ये डबली बॉन्डेड कार्बन को दो दो अल्किल ग्रुप अटैच है और उसके कारण वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा। देन अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन इनका कंपैरिजन कैसे करना। सब्स्टिट्यूशन अगेंस्ट एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन अगेंस्ट एलिमिनेशन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का देखिए एग्जांपल, CH3CH2CH2CH2X और Br when it is heated with aqueous alkali aqueous KOH यहां पे क्या हो जाता है सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन हो जाने से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है CH3CH2CH2CH2OH अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। बी आर नेगेटिव गेट रिप्लेस बाय ओएस नेगेटिव, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया यहां पे और बी आर नेगेटिव का ओएस नेगेटिव से रिप्लेसमेंट होके अल्कोहल बन गया प्लस के बी आर प्लस एच टू के बी आर ओनली। अब यहां पे एलिमिनेशन का एलिमिनेशन CH3CH2CH2 CH2Br वही पर्टिकुलर अल्किन है, सेम अल्किन, दैट इज द वन ब्रोमो ब्यूटेन, वन ब्रोमो ब्यूटेन, सेम अल्किल हैलाइड इज टेकन, सेम हैलोजन डेरिवेटिव इज टेकन, वन ब्रोमो ब्यूटेन, इट इज आल्सो वन ब्रोमो ब्यूटेन, बट व्हेन दिस वन ब्रोमो ब्यूटेन इज हीटेड विथ अल्कोहोलिक KOH देन इट अंडरगो एलिमिनेशन। अब यहां पर इसका क्या हो रहा, एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन हो जाने के वजह से यहां पे बन रहा अल्कीन, इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, यहां अल्कोहल बन रहा और यहां पे अल्कीन। अल्कीन हैलाइड इज सेम, द सब्स्ट्रेट इज सेम, वन ब्रोमोब्यूटेन वन ब्रोमोब्यूटेन, बट वन ब्रोमोब्यूटेन विद एक्वियस KOH गिव्स अल्कोहल एंड वन ब्रोमोब्यूटेन विद अल्कोहलिक KOH गिव्स अल्कीन। एक्चुअली क्या होता है, ये जो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन है दोनों रिएक्शन आपस में कॉम्पीट करती, दे कॉम्पीट विद ईच अदर, देयर इज अ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, बोथ ऑफ दीज रिएक्शन कॉम्पीट विद ईच अदर and because of this competition one of them is favored, ek reaction ka rate zyada rahega dusre reaction ka rate kam rahega, ek reaction dusre reaction ko predominate karegi, ek reaction yahan pe prefer hogi dusri reaction prefer nahi hogi, to dono mein se kaun si reaction yahan pe prefer hogi, dono mein se kaun si reaction predominate karegi, dono mein se actual mein kaun si reaction hogi, ye kaise decide karna, there are some factors, factors नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। अब यहां पे सबस्ट्रेट का मतलब होता है रिएक्टेंट, जैसे ये रिएक्टेंट है ये सबस्ट्रेट बोला जाएगा इसको, और ये जो एक्वियस KOH और अल्कोहलिक KOH इनको बोलेंगे अपन रिएजेंट, ये दोनों रिएजेंट है, ये हो गया सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि यहां पर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि एलिमिनेशन होना चाहिए। पर्टिकुलरली यदि सबस्ट्रेट ये जो अल्किल हैलाइड हैलोजन डेरिवेटिव है, इफ द हैलोजन डेरिवेटिव इज टर्शरी, टर्शरी अल्किल हैलाइड, टर्शरी अल्किल हैलाइड प्रीफर टू अंडरगो द एलिमिनेशन, दे प्रीफर टू अंडरगो द एलिमिनेशन, एंड द प्राइमरी अल्किल हैलाइड, प्राइमरी अल्किल हैलाइड प्रीफर टू अंडरगो द सब्स्टिट्यूशन।
मतलब ये जो सब्सट्रेट है अल्किल हैलाइड है, ये यदि प्राइमरी है तो यहां पे संभावना कौन सी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रीडोमिनेट करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रीफर किया जाएगा, फेवर किया जाएगा, आसानी से हो पाएगा। और यदि सब्स्ट्रेट मतलब ये जो अल्किल हैलाइड है, यदि टर्शियरी अल्किल हैलाइड है तो यहां पे संभावना रहेगी एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो इस तरह से यहां पे अपन डिसाइड कर पाएंगे नेचर ऑफ सब्सट्रेट के ऊपर से विच ऑफ दिस टू रिएक्शंस विल बी फेवर, ये दोनों में से कौन सी रिएक्शन फेवर होगी, ये अपन इस तरह से डिसाइड कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सब्सट्रेट। देन न्यूक्लियोफिलिसिटी, दैट इज द स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट जो ये अल्कली, इस रिएजेंट की न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब स्ट्रेंथ कितनी है और उसका साइज कैसा है, व्हाट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज द साइज और स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, दैट ऑल्सो डिसाइड्स आउट ऑफ दिस टू रिएक्शन व्हिच रिएक्शन विल बी फेवर्ड। सपोज दिस न्यूक्लियोफाइल इज बल्की न्यूक्लियोफाइल, बल्की का मतलब होता है बिगर। इफ द न्यूक्लियोफाइल इज बिगर इन साइज एंड इफ इट हैज अ ग्रेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज कर सकता है, मतलब उस न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब यहां पे स्ट्रांगर न्यूक्लियोफाइल फेवर द एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन की संभावना ज्यादा रहेगी, यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर किया जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ द रिएजेंट और द न्यूक्लियोफाइल विच इज बल्की बिगर न्यूक्लियोफाइल एंड हैविंग अ ग्रेटर स्ट्रेंथ रहेगी, तो ऐसे में यहां पे कौन सी संभावना रहेगी एलिमिनेशन रिएक्शन की। यदि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांगर है तो आसानी से वो बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कर पाएगा, बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करने की कैपेसिटी उसकी ज्यादा रहेगी। और तुमको मालूम है कि एलिमिनेशन होते समय बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है, हैलोजन अल्फा कार्बन का और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन, तो उस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करने की कैपेसिटी कब ज्यादा रहेगी, जब वो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांगर रहेगा और बल्की रहेगा, बिगर रहेगा। तो बिगर न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रांगर न्यूक्लियोफाइल यदि है तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीडोमिनेट करेगा, फेवर किया जाएगा। बट व्हेन द न्यूक्लियोफाइल इज स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल, स्मॉलर एंड वीकर न्यूक्लियोफाइल यदि है, इफ द न्यूक्लियोफाइल इज वीकर देन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी फेवर्ड। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने की संभावना ज्यादा, ये ज्यादा प्रीडोमिनेट करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन विल प्रीडोमिनेट ओवर द एलिमिनेशन, यहां पे सब्स्टिट्यूशन की संभावनाएं बढ़ जाएगी। स्मॉलर एंड वीकर न्यूक्लियोफाइल, यदि न्यूक्लियोफाइल अपना जो रिएजेंट है न्यूक्लियोफाइल है, यदि स्मॉलर भी है और वीकर भी है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी उसकी कम है, तो ऐसे में यहां पे सब्स्टिट्यूशन की संभावना ज्यादा होती है। और एक तीसरा फैक्टर है रिएक्शन कंडीशंस। इफ द रिएक्शन बिटवीन द अल्किल हैलाइड एंड द रिएजेंट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट की पोलैरिटी बहुत ही कम है, लेस पोलर सॉल्वेंट एंड एट हाई टेम्परेचर, रिएक्शन में टेम्परेचर ज्यादा है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाई जा रही है यहां पे, और जो सॉल्वेंट लिया गया है यहां पे उसकी पोलैरिटी थोड़ी कम है, लेस पोलर सॉल्वेंट एंड हाई टेम्परेचर फेवर द एलिमिनेशन, यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करते हैं। मतलब ये दोनों में भले ही कंपटीशन है बट ये दोनों में से डोमिनेंट कौन सा रहेगा, डोमिनेट कौन सा करेगा, एलिमिनेशन। सो एलिमिनेशन रिएक्शन विल प्रीडोमिनेट हियर व्हेन द सॉल्वेंट इज लेस पोलर एंड इट हैज द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट द हाई टेम्परेचर। बट व्हेन हियर द सॉल्वेंट इज मोर पोलर, ग्रेटर पोलैरिटी
ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज्यादा है एंड लो टेम्परेचर, रिएक्शन करते समय टेम्परेचर कम है, एट द लो टेम्परेचर द रिएक्शन इज कैरिड आउट, देन दीज कंडीशंस फेवर द सब्स्टिट्यूशन. सो ग्रेटर पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट लाइक वाटर, वाटर एक्वियस, एक्वियस सॉल्वेंट जो है मतलब वाटर जो है इसकी पोलैरिटी ज्यादा है और ऐसे में यहां पे सब्स्टिट्यूशन की संभावना बढ़ जाती है, ये प्रिडोमिनेट करेगा. और लो टेम्परेचर चाहिए, एट द लो टेम्परेचर एंड हैविंग अ सॉल्वेंट विद द ग्रेटर पोलैरिटी द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज फेवर्ड, एंड एट द पार्टेकिंग द लेस पोलर सॉल्वेंट एंड एट द हाई टेम्परेचर द एलिमिनेशन इज फेवर्ड. इन दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट द सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन. थैंक यू.